अपराधी कितना भी होशियार हो कानून के सिकंजे से नहीं बच सकता। बुलंदशहर खोजा में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल करने की घटना सामने आई है। इस बार पहले की तरह ही पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है और भारी वस्तु से मार कर हत्या करी गई है। शव को 3 दिन तक छुपा के रखा गया और किसी को पता न चले इसके डर से दोनों ने मिलकर बाद में शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान करी, तब जाकर पूरी जानकारी खुलकर सामने आई है। खुर्जा कोतवाली के रहने वाले जीनत और उसका आशिक जुबेर ने मिलकर 16 जुलाई को ये हत्या की है। एक अज्ञात शव मिला था जिसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया और लोगों को इकट्ठा करा के जब पहचान कराई गई तो इसकी पहचान नईम के रूप में हुई। नईम के बारे में जानकारी करने पर ये पता चला कि नईम के गर्दन पर जो चुनरी लिपटी हुई थी वो उसकी पत्नी की प्रतीत हुई। नईम के अन्य परिवारिक जनों को इकट्ठा किया गया, जानकारी की गई, तो जानकारी करने पर बात निकल के आई कि 16/17 की रात में ही नईम की पत्नी जीनत द्वारा अपने प्रेमी जुबैर के सहयोग से पति की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद उसके शव को घर के अंदर ही जो सीवर टैंक है उसमें छुपा दिया गया था। 2-3 दिन बाद जब बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगी, तो इन्हें शक हुआ कहीं आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के घर में तलाशी न करने लगे, तो रात के समय पुनः अपने उसी प्रेमी के सहयोग से, जुबैर के सहयोग से, उस शव को ले जा कर के एक नाले में डाल दिया गया और नाले से उस शव बरामद किया गया था। इसमें दोनों अभियुक्त, मृतक की पत्नी जीनत और उसके प्रेमी जुबैर, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।